नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 74 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं और आज का दिन इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का जो सवा दिन है वो पूरा हुआ है और 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी है कि दिन कितना खास है। बता दें कि शुरुआती 100 दिन पूरा होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का बुकलेट जारी किया। अमित शाह ने कहा कि यह सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। बीते 10 साल में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत हुई है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति देखी है। पहले की सरकार में रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी। शाह ने कहा कि आज के समय में युवाओं के पास अथाह मौके हैं। युवा आत्मनिर्भर हैं। देश की 140 करोड़ की जनता को इतने महान लक्ष्य के साथ जोड़ना मोदी सरकार की विश्वसनीयता का प्रमाण है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में हमने 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया है। मैंने इन 100 दिनों को 14 स्तंभों में बांटा है। के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहाँ एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है वहाँ पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं और इसका कारण है कि 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। 3.5 साल से रुका हुआ काम जनगणना का और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से प्रशिक्षण शुरू होगा और कब से जनगणना शुरू? बहुत जल्द आ जाएगा। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को कैसे कटिहार के लोग खास तरीके से मनाते हैं उसकी एक वानगी देखने को मिली है जहां पर बजरंग बली की मूर्ति है और ठीक उसके बगल में एक जो मूर्ति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बनाई गई है जिसकी पूजा भी वहां के लोग करते हैं। और कटिहार के सिंगारोल आनंदपुर में लोगों में जबरदस्त खुशी है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि गांव के मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति के साथ नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। लोग उन्हें राम का अवतार मानकर रोजाना पूजा करते हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत। 2024 में एनडीए गठबंधन को 400 पार सीट नहीं होने पर विपक्ष द्वारा मोदी जी के क्रेज पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन आपको कटिहार जिला के सुदूर बंगाल से सटा हुआ सिंगारोल गांव की एक तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन है और इस गाँव के लोगों ने मिलकर इस तरह से बजरंग बली मंदिर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिमा स्थापित कर इस जन्मदिन को मना रहे हैं और बाकायदा इसके लेकर इस मंदिर को सजाया गया है और इस यहाँ केक कटिंग की भी व्यवस्था है। इस गांव में एक बच्चा का नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम पर है, इसलिए गांव के लोग इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बना है वो आए हैं, देश का विकास हो रहा है और देश का विकास के ही कारण से मोदी जी का तीसरा टर्म चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी और आए और देश का विकास करें और खास करके ग्रामीण क्षेत्र पे विशेष ध्यान दे। आपका बेटा के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे हैं, क्या वजह, क्या मानते हैं मोदी जी? मोदी जी को हम भगवान मानते हैं, राम का दर्जा दिए हैं। कैसे मनाते हैं जन्मदिन को, कैसे मनाते हैं? हर वर्ष वह 17 तारीख को विश्वकर्मा के शुभ पूजा के अवसर पर, जब मोदी जी का जन्म बर्थडे है उसी दिन मनाते हैं हर बार।
केक काटते हैं और केक काटते हैं, ग्रामीण भी आता है देख। मंदिर में ही मोदी जी को बैठा दिए तो गांव में इसको लेकर कोई विरोध नहीं ना? नहीं है, गांव के सब गांव वाला मिलके हम लोग सब मिलके बनाए हैं। क्या चाहते हैं मोदी जी आए? मोदी जी आए हम लोग के गांव में और भी विकास है, खुशी होगा मोदी आने से। अब नरेंद्र मोदी को बजरंगबली स्थान में बैठा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम का दर्जा देते हुए इस तरह से उनका जन्मदिन मना रहे, जो अपने आप में एक बेहद खास संदेश है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। सहरसा से बड़ी खबर है, जहां पर चलती गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की को जबरन उठाया गया, गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बता दें कि आरोपियों ने बकरी चरा रही लड़की को पहले गाड़ी के पास बुलाया और फिर बंदूक की नोक पर उसे गाड़ी में बैठाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की ने 3 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां के ग्रेटर नोएडा में खबर ये सामने आई है कि डिलीवरी बॉय को पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट का ये पूरा जो वीडियो है वो भी सामने आया है और उसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। और देखिए, दूसरी जो खबर है वो है कि किस तरीके से नेपाल से करेंसी को लेकर के एक खबर सामने आई है, जहां पर फेक करेंसी को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और साथ ही साथ जो इस मास्टरमाइंड है उस मास्टरमाइंड को पुलिस जो है वो मोतिहारी लेकर के पहुंची हुई है। बता दें कि नेपाल से नकली करेंसी कश्मीर पहुंचाने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस मास्टरमाइंड सरफराज को कश्मीर से 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर मोतिहारी लेकर पहुंची और सरफराज को सिविल कोर्ट के सत्र न्यायाधीश के यहां पेशी के बाद सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ करेगी। बता दें कि 5 सितंबर को IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर मोतिहारी पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 3 लोग को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज से खबर है, जहां पर पलक झपकते ही बाइक चोरी कर ली गई और इस बाइक चोरी से लगातार यहां के लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और बार बार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कहती है। कई बार उस चोरी की गई बाइक को जब्त भी की जाती है, लेकिन ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोड़ के पास की है, जहां कपड़ा खरीदने आए मोहम्मद रिजवान की बाइक शॉप के बाहर से चोरी कर ली गई। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर बाइक चोरों को पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़क किनारे अपनी बाइक को लगाकर शॉपिंग करने चला जाता है और इसी बीच शॉपिंग मॉल के बाहर सड़क पर खड़ा युवक रेकी करता है, उसके बाद बाइक पर आकर बैठता है। बाइक पर बैठने के बाद बड़े ही आराम से मास्टर चाबी निकालता है और बाइक स्टार्ट कर फरार हो जाता है। खबर आरा से है, जहां सरेआम मंच से राइफल से फायरिंग की जा रही, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक सिंगर का कार्यक्रम था और इसी दौरान आसपास राइफल से फायरिंग की जा रही है। बता दें कि जिले के बिहिया थाना के भीमपत्री बेलवनिया का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक श्रद्धांजलि सभा में भोजपुरी गायक टुनटुन यादव पहुंचे थे, तभी कार्यक्रम में स्टेज पर खुलेआम सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक हाथ में राइफल लेकर फायरिंग कर रहा है और गायक समेत डांसर सभी डरे हुए हैं। भैया हो, भैया हो, हरे की ढेर बोलो। और देखिए, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के नए सीएम का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले बैठक चल रही थी, आज शाम में इस्तीफा देना है और इससे पहले खबर आ गई है कि आतिशी अब दिल्ली की नई सीएम होंगी। तो आप विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, कालका से बता दें कि आतिशी विधायक हैं, आतिशी विधायक दल की नेता चुनी गई है, आतिशी शिक्षा मंत्री भी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से, जहां आतिशी के नाम पर मुहर लगा दी गई है। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, जो खबर सामने आ रही है कि बैठक जो हुई, इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। जेल से आने के बाद से एक बड़ा दाव खेला
केजरीवाल ने और कहा कि हम तब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब हमें फिर से जनादेश नहीं मिल जाता। और अब बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती है, दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा विभाग भी आतिशी के पास ही है। आतिशी की अगर बात करें तो पार्टी की बड़ी महिला चेहरा, सबसे बड़ा महिला चेहरा ये जानी जाती है, तो आतिशी दिल्ली के नई मुख्यमंत्री होंगी। संगठन और प्रशासन का भी ये अनुभव रखती हैं। अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती है और कई मसलों पर खुलकर बातचीत भी मीडिया के सामने रखती है। तो आतिशी को अब दिल्ली की कमान मिल चुकी है, दिल्ली की नई सीएम जो है वो आतिशी होंगी। तो केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और कालका जी से आतिशी विधायक है जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई और अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बता दें कि आज शाम में एलजी से मुलाकात भी केजरीवाल करने वाले हैं और आतिशी आप विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। तो आतिशी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। एक इस चेहरे पर भरोसा आप पार्टी ने जताया है। तो बता दें कि अभी कई मंत्रालय इनके पास से, दिल्ली से कालका जी से आपकी विधायक हैं आतिशी और अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद चेहरा मानी जाती हैं। और खास करके महिला चेहरा की अगर बात करें तो महिला चेहरा के तौर पर भी ये अपनी भूमिका काफी अहम पार्टी के अंदर रखती हैं और कई मसलों पर पार्टीगत, चाहे नीतियों की बात करें या फिर पार्टीगत जो विचार हैं उस पर भी खुलकर अपनी बात रखती हुई वो दिखाई देती हैं। तो देखिए इस बीच एक बड़ा बदलाव जो है वो दिल्ली की सियासत में हुआ है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान और उसके बाद से ये बदलाव आतिशी के तौर पर। देखिए पटना में यातायात पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कैमरे लगाए हैं और उस कैमरे के जरिए गाड़ियों का चालान काटा जाता है, लेकिन एक हैरान करने वाली, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां पर कार के अंदर अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो भी आपका चालान कट गया है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। कैमरे के जरिए यातायात का पालन नहीं करने वालों लोगों का ऑटोमेटिक चालान कट रहा है, लेकिन एक अजीबोगरीब मामला आपको बताते हैं। दरअसल पटना के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर यूसी का कार के अंदर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कट गया और उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल भी उनका कार में हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काट दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि कार के अंदर हेलमेट कौन पहनता है। अब डॉक्टर परेशान है क्योंकि चालान के कारण उनका पॉल्यूशन रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर का कहना है कि जब गलती नहीं की तो फाइन क्यों दूं। बता दें कि डॉक्टर के पास जो चालान आया है उसमें बाइक सवार की तस्वीर है जो उनकी कार का नंबर लगाकर बाइक पर घूम रहा है और हेलमेट नहीं पहनने के कारण चालान काट दिया गया है। हम यही समझ में नहीं आता है, एक मोटरसाइकिल का फोटो दिया हुआ है और उसके नीचे मेरे गाड़ी मेरे नंबर पर चालान का आया हुआ है। परेशान ये हो रहा है जो पॉल्यूशन को हम रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज पॉल्यूशन का डेट ख़त्म हो रहा है। जब पॉल्यूशन सेंटर में जाते हैं वो कहते हैं आपके नाम पर कंप्लेंट है, जब तो कंप्लेंट रहता है गाड़ी के नाम पर तब तक पॉल्यूशन दोबारा नहीं हो पाया। मेरा गाड़ी फॉल्ट में नहीं है, हम चालान क्यों भरेंगे? आपकी गलती है ही नहीं। मेरा गलती नहीं है ना, मेरा गाड़ी फॉल्ट नहीं है, ये मोटरसाइकिल है, ये जो फोटोग्राफर जो है उनके उनके जो लोग किए है वो हैं एंट्री किए हैं उन्हीं लोग का फॉल्ट है। राजधानी में पटना ट्रैफिक पुलिस के अजब गजब कारनामे हैं। हालांकि पटना पुलिस पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस है, लेकिन जो उनके कारनामे होते हैं उन कारनामों से पटना वासियों को काफ़ी परेशानियां उठाने पड़ती है। ये गाड़ी स्विफ्ट डिजायर है और इसका नंबर आप देख सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी का चालान इसलिए कटा है क्योंकि इस गाड़ी के जो ड्राइवर थे वो ड्राइवर डॉक्टर मशहूर यूसी सामल थे, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था और उनका चालान काट कर उनके मोबाइल पर मैसेज आया। और जब चालान काट कर मैसेज मिला है तो आप देख सकते हैं कि जो मैसेज में जो नंबर आया है, जो पिक्चर आया है उसमें टू व्हीलर बिना हेलमेट के सवार है वो मैसेज है और गाड़ी का नंबर स्विफ्ट डिजायर का दिया हुआ है, लेकिन जो चालान कटा है वो दोपहिया वाहन का कटा है जबकि डॉक्टर साहब चार पहिया वाहन चलाते हैं। ये है पटना ट्रैफिक पुलिस के कारण में और ये एक बार नहीं दो बार हुआ है, एक बार दिसंबर और फिर जनवरी। हालांकि डॉक्टर साहब ने काफ़ी गुहार लगाई है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये उनकी तरफ से गलती नहीं हुआ है और
पूरी तरह से पिछले 2-3 महीने से डॉक्टर साहब परेशान हैं, इनका पॉल्यूशन भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जब तक इनके चालान की राशि ये जमा नहीं कर पाएंगे तब तक इनके जो प्रदूषण है वो नहीं बन पाएगा। तो ये परेशानी जो पटना ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को दिया जा रहा है और लोग जो है वो काफी परेशान है। न्यूज एट निकले पटना से धर्मेंद्र कुमार। कैमूर में एम्बुलेंस सहित 3 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी है, सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ NHAI पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है और ऐसे में निर्माण का काम भी चल रहा है। और बताया जा रहा है कि मुताबिक सोमवार रात से लगातार हो रही बारिश हो रही थी, जिस कारण बरेज गांव के पास बनाए जाने वाले फ्लाईओवर में उपयोग किए जाने वाला राखड़ NH पर फैल गया और गाड़ियां नियंत्रित होकर पलट गई। NHAI पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी देर पहले NHAI को फोन कर घटना की सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। चलो चलो निकालो, बैठो बैठो बैठो, तुम गाड़ी ले लो। गाड़ी स्लिप करके हमारा साइड में हो गया गाड़ी। अरे यहाँ पे जो राबिस है ना जो रोड का, उसी पर गाड़ी स्लिप करके हमारा साइड में हो गया गाड़ी। अब साइड में गाड़ी हो गया तो आगे पीछे हो ही नहीं जाता, तब तक ये थार वाला आकर के बस मार दिया। एम्बुलेंस कोई NHAI या पुलिस आया आप गाड़ी निकालने के लिए? अरे कोई नहीं आया है, गाँव के लोग आए। गाँव के लोग निकाले? हाँ गाँव के लोग निकाले। NHAI का गलती है, NHAI राबिस बारिश के कारण राबिस रोड पर आ गया सब। कितनी गाड़ी एक्सीडेंट की है? 3 गाड़ी हुआ है, अभी और हो सकता है, अभी और हो सकता है। एम्बुलेंस भी है क्या? एम्बुलेंस भी है। तो आप लोगों ने क्या NHAI किसी से बात किया? NHAI का आदेश सुतला का फोन किए, अभी तक नहीं आया। उन्होंने स्टाफ अपना नहीं। मुंगेर में बढ़ते डेंगू के मामलों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों का डेंगू जांच किया गया और उस डेंगू जांच में 8 में से 4 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए और एक दिन में सबसे ज्यादा डेंगू मरीज यहां पर मिले हैं और अब ये आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि डेंगू वार्ड में 7 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में डेंगू का डंक बढ़ता जा रहा है। अगस्त और सितंबर महीने में 50 से ज्यादा डेंगू के संभावित मरीज भर्ती हो चुके हैं, जबकि निजी नर्सिंग होम में भी कई मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में डेंगू के लिए 50 बेड के वार्ड की व्यवस्था की गई है। जी है 3 केस का, 2 अर्बन और 1 हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में। जहाँ भी सूचना मिली है उसके अगल बगल के 200 घरों में हम लोग छिड़काव का निर्देश देके छिड़काव भी करवा चुके हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद से गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। छपरा के दियारा और तटीय इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग काफी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ऊंचे जगहों पर जा रहे हैं ताकि वो बाढ़ से प्रभावित ना हो। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संतोष। छपरा में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों से यहाँ पानी बढ़ रहा है और हालात यह है कि नेवाजी टोला धर्मशाला में घर लोग अब अपने घरों को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये सड़क है, इस नाव पर हम बैठे हैं, यहाँ पानी लगभग घुटने तक है और ये घर के अंदर का नजारा हम कैमरामैन को बोलेंगे कि जाके दिखाए कि किस तरह से घर के अंदर के हालात हैं और जो लोग हैं वो इस घर को छोड़ करके जा चुके हैं और कहीं ना कहीं परेशानियाँ जो है लोगों की काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। ये छपरा का जो नेवाजी टोला धर्मशाला का इलाका है, यहाँ पे पिछले 5 दिनों से पानी लगातार लोगों के घरों में घुस रहा है। हालांकि लोगों का ये आरोप है कि सरकार का कोई भी आदमी यहाँ देखने के लिए नहीं आया। यहाँ पे लगभग 50 परिवार यहाँ रहते हैं और उन परिवारों की जो हालत है आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाए कि आखिर लोगों की परेशानी क्या, लोग अपने घरों में किस तरह से तमाम जो सामान है वो लेकर के सड़क पर जा चुके हैं और जो बचे हुए सामान है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पानी अचानक बढ़ा है, लोगों को उम्मीद नहीं थी। का दिक्कत है ना दिक्कत है क्या कर रहे? कोई पूछने नहीं आया कोई ना। तो सामान उमान लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में, स्कूल में जाकर रोड पे, रोड पे, रोड पे। घर तो है पर लेकिन पानी इतना बढ़ रहा है ना, ये देखिए ये सब, ये घर है टूटा फूटा, सब घर है हमारा, सब घर में पानी घुस गया, सब में पूरा घुस गया सब। हम लोग तब क्या बोलते हैं, तिरपाल गिरा गिरा हम लोग घर बना के रोड पे हमने के रहते हैं। हालांकि
कुछ परिवार है जो अभी भी अपने बचे हुए सामान को निकाल रहे, लेकिन चार दिन से यहाँ पे हालात बने हुए बाढ़ जैसे, और इस कारण से यहाँ के लोग जो है पलायन करने को विवश है। हालांकि लोगों की शिकायत ये भी है कि प्रशासन का कोई आदमी यहाँ देखने नहीं आया है। हालांकि डीएम से हमारी बात हुई, डीएम ने जरूर कहा है कि वहाँ पे नजर है, पानी का जो जलस्तर बढ़ रहा है लगातार, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि जो भी निचले इलाके के लोग हैं वो तत्काल सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, किसी तरह का खतरा नहीं हो, इसके लिए जो प्रशासन की टीम है लगातार नजर बनाए हुए। लेकिन यहाँ जो ग्राउंड जीरो पर जो लोग का कहना है, जो लोग यहाँ पे परेशान है, उनका कहना है कि प्रशासन का कोई भी करिंदा यहाँ देखने इनको नहीं आ रहा, जिसके कारण इनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। देश भर में आज से विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया नगर निगम की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि कैसे इस अभियान को सफल बनाया जाए, और ऐसे में जो पूर्णिया नगर निगम की टीम है और बाकी जो लोग हैं वो इस अभियान में शामिल नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगर निगम ने स्वच्छता सेवा जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त सहित सभी वार्ड पार्षद ने स्वच्छता को लेकर शपथ ली, और आर्यन साव चौक से सफाई अभियान चलाया। इस दौरान प्लास्टिक छोड़े थैला अपनाए को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। महापौर ने लोगों से स्वच्छता सेवा अभियान के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। खबर रोहतास से, जहां पर तुतला भवानी वाटरफॉल को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, और अभी की बात करें तो वहां मनमोहक नजारा दिखाई दे रहा है। तुतला वाटरफॉल की अगर बात करें तो यहां काफी संख्या में जो पर्यटक है वो यहां पहुंचते हैं। तो तुतला भवानी वाटरफॉल का शानदार नजारा ये आप देखिए। भारी बारिश के बाद वाटरफॉल भी उफान पर आ गया है। वन विभाग ने वाटरफॉल के आसपास जाने पर फिलहाल आम लोगों को रोक दिया है। पानी का बहाव काफी तेज है और पहाड़ से पानी काफी तेजी से नीचे गिर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नजारा कितना शानदार है, और ऐसे में लोगों की भीड़ भी यहाँ काफी जुटती है। हालांकि जब जब थोड़ी स्थिति भयावह होती है तो लोगों को दूर ही रखा जाता है, लेकिन काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस नजारे का लुत्फ उठाते हैं। तो शानदार नजारा जहाँ पर देखिए ये पानी कल कल करता हुआ गिर रहा है, और ये शानदार नजारा तुतला भवानी वाटरफॉल का। पटना में रेल पुलिस ने कैसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो पलक झपकते हैं यात्रियों के, चाहे वो फोन हो, घड़ी हो या फिर जो कीमती सामान है उसको गायब कर देते थे। और इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आप देखिए कितनी संख्या में आपको फोन नजर आ रहे होंगे। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड समेत कई सामान ये उड़ा लेते थे। बिहार समेत कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 6 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। जो लैपटॉप चोरी करना, मोबाइल चोरी करना, ये सारे चोरी करते हैं, विभिन्न राज्यों में भी चोरी करते हैं, ट्रेन में करते हैं, और उसको ये बेचते हैं एक जगह जो कि फुलवारी शरीफ पटना के रहने वाले हैं। उनके पास से 23 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद किया गया। तो कुल इस कांड में 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रुपये है। इसके अलावा जो 2 कौशल कुमार या गिरोह के सरगना है, और इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर, राज्यों में चोरी की जाती है, और इनके पास से, दोनों के पास से 8-6 एटीएम कार्ड, विभिन्न पैसेंजर का बरामद किया गया है। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।